की मुजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि अगर ऑपरेशन करना है तो कराची में क्रिमिनल के खिलाफ होना चाहिए और जिस अंदाज में ऐसे अंदाज में ऑपरेशन हो कि क्रिमिनल को घेरा जाए। ये जो फरमाइशी ऑपरेशन हो रहा है किसी मखसूस पार्टी को खुश करने के लिए, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कराची में तमाम क्रिमिनल एलिमेंट के खिलाफ, चाहे उनका ताल्लुक किसी जबान से हो, किसी पार्टी से हो, किसी मजहब मसलक से हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। किसी मखसूस तबके को निशाना बनाने की हम मुजम्मत करते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि कराची में जो बदमाशी हो रही है, कराची में लोगों को जो दबाया जा रहा है, यहाँ किसी को अपनी मर्जी से सियासत करने नहीं दिया जा रहा है, सियासी लीडरान पर हमले किए जा रहे हैं, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। आज अफाक अहमद को हैदराबाद जाना था और उसके काफिले पे जो हमला हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, हम कहते हैं कि सियासत में तशद्दुद नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से इसकी मजम्मत करते हैं कि तशद्दुद, सियासी इख्तलाफात होते हैं। अगर पार्टियों के माबेन सियासी इख्तलाफात ना होते तो पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी होती, लेकिन सियासी इख्तलाफात की वजह से ही अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन हम अपने इख्तलाफात को बैठकर जमहूरी अंदाज से अखलाकी तरीके से भी हल कर सकते हैं। लिहाजा आज के इस काफिले पर अफाक अहमद हैदराबाद जब जा रहे थे और उसके काफिले पर हमला हुआ, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और आपकी तवस्सुत से इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि उन मुजरिमों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। इसके अलावा कराची में जो एक नया ट्रेंड चला है मजहबी इंतहा पसंदी का, हम समझते हैं कि हर इंसान को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो जिस अंदाज से चाहे अपने रब को याद करे, जिस अंदाज से चाहे वो जिंदगी गुजारे। लिहाजा मजहबी इंतहा पसंदी की हम मुजम्मत करते हैं। आज जो दो वकला सलाहुद्दीन हैदर और उसके जवान साल बेटे को जो कत्ल किया गया, शहीद किया गया, हम उसकी मुजम्मत करते हैं और कराची में रवा मजहबी दहशतगर्दी के हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि हमें अमन, रवादारी और भाईचारगी से रहकर इस कराची के पुरअमन माहौल को बहाल करना चाहिए। दोस्तों, हम कराची में तमाम पार्टियों से, जहां जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं तमाम से यह अपील करता हूं कि कराची के अवाम को पुरअमन फिजा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। लिहाजा आए सब मिल बैठकर इस कराची के इस पुरतशद्दुद माहौल को खत्म करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करें। बातचीत के जरिए ही हम यहाँ का माहौल पुरअमन बना सकते हैं। लिहाजा
मैं अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक मरतबा फिर तमाम सियासी जमातों से यह अपील करता हूं कि कराची के माहौल को पुरअमन बनाने के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। कराची के अवाम का पुरअमन माहौल में रहना, इनको पुरअमन फिजा जो है प्रोवाइड करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा हम आए और इस मुल्क की मजबूती के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए और अपनी आवाम के सुकून के लिए हम कराची के माहौल को पुरअमन बनाए, ये हमारी तरफ से पेशकश है तमाम सियासी जमातों को कि हम मिल बैठकर इस बदतरीन माहौल से लोगों को निकालें। दोस्तों, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से मैं अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से यह अपील करता हूं कि जो बोगस तरीका अख्तियार किया गया है, मजीद ये चीजें अब नहीं चलने वाली, लिहाजा उन्हें मौजूदा वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने के लिए वक्त में इजाफा देना चाहिए, वक्त देना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो एक मरतबा फिर मरदमशुमारी या खानशुमारी करा के एक हकीकी वोटर लिस्ट बनाकर आवाम के सामने पेश करें। उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन से अवामी नुमाइंदे हैं। हमारे ख्याल में अवामी नेशनल पार्टी के नुक्ते नजर से इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी करप्शन हो रही है वो बोगस वोटों के जरिए इस हमलों में पहुंचना है। यहां अगर लेन माफिया है, भत्ता माफिया है, कोई भत्ता खोरी है, तो सबसे बड़ा जुर्म वो टप्पा माफिया है कि अवाम के हकीकी नुमाइंदों को असेंबली में पहुंचने से रोका जाता है और जाली अंदाज से लोग असेंबलियों में पहुंचते हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट जो है उसको दुरुस्त किया जाए। अगर कोई और तरीका नहीं अपनाया जाता तो मौजूदा जो तरीकाकार है फॉर्म 4 को फिल करने का, इसके वक्त में इजाफा किया जाए ताकि हर शख्स अपने मर्जी से अपने वोट का इंदराज कर सके। कानून के मुताबिक हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो जहां चाहे, जिस हलके में चाहे, उसका मुस्तकिल या आर्जी एड्रेस कहीं का भी हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी एक हलके में अपना एक वोट दर्ज कर सकता है। ये हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। लिहाजा अगर किसी का वोट गांव अवामी नेशनल पार्टी सूबाई जनरल सेक्रेटरी औदनने गोंडे द्रुन वर्मा जर्सी सदर और दमुंद यूनियन कौंसिल नंबर 12 वार्ड सदर मुसल मसूद और नूर मंजरी वक्कम दे नमूना दफ्तर और मातम हमक अवामी नेशनल पार्टी यूनियन कौंसिल नंबर 12 मलगुरु अस्सलाम वालेकुम मलगुरु टूल नमक के जहर मलगुरु तक मुबारकबाद वरकुम चाचिनन पद्दे इलाका के ना प्रोग्राम जोड़ कर दे औनंदा कम मलगरी चिरागनी दी ता जरसा ता गुंडा ता रोड न पाग रोड न दा कि बाजार हुई मार्केट हुई और आगे तक तमाशीर रागनी हुई बल्कि नन ता जरसा ता साबिताई कि पद्दे इलाका के ना वह मिनिस्टर पाटे कार्तुनान स्ता और नम हर कार्तुनान दागनी दी कि दिल वक्त तलतनास्ती मेरे दोस्तों और साथियों, आज मोहम्मद खान कोर्ट की जो हमारे यहाँ पे यूनिट था, पार्टी ने यूनिट खत्म कर दी है और यहाँ का यूनिट का सदर आज अवामी नेशनल पार्टी यूनियन कौंसिल नंबर 12 वार्ड के नायब सदर है और उसके और उसके साथ जिले ही लेबर सेक्रेटरी जो इस इलाके में रहते हैं उन्होंने आज के तमाम कार्यकर्ताओं को जमा किया है। हमारा आज का मकसद जिस तरह पूरे कराची में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल भी यूनियन कौंसिल नंबर 10 वहां पर इसी तरह जश्न का प्रोग्राम था और आज ये जश्न का प्रोग्राम यूसी 12 में हो रहा है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर जनाब शहीद सैयद साहब सेनेटर मुंतखब हो चुका है और उसी की खुशी में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन पूरी कराची में जश्न मना रहे हैं। पार्टी ने यह फैसला किया है के
मई तक हम मुस्तकिल इस पूरे शहर में ये जश्न मनाते रहेंगे। मैंने कल भी कहा था और आज भी यहां पर ये बात दोहरा रहा हूं कि इस वक्त 54 सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब शहीद साहब के लिए जश्न मना रहे हैं। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि कराची में आज ऐवान बाला में इस मुल्क के सबसे बड़े पार्लियामेंट में वो आवाज पैदा हो चुका है जो इस कराची शहर की मजलूम कौमियतों की आवाज है, और वो आवाज उस ऐवान तक पहुंच चुका है, और वो आवाज दुनिया को एक पैगाम देंगी जिस तरीके से इसी शहर में हर चीज का रमाल बना हुआ है। यहाँ पर किसी को कहने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, और यहाँ पर अगर हमारे ये बड़े बड़े जलसे हो भी रहा है लेकिन यहाँ पर मीडिया इतना मजबूर है कि किसी को उन्हीं के अलावा किसी को कोई कवरेज नहीं दी जा रही है। और यहाँ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, यहाँ पर कब्जा माफिया, पत्ता माफिया और टप्पा माफिया जो इस शहर को तबाही की तरफ ले गए, यहाँ पर होप का आलम है, दहशत का आलम है, इसको तोड़ने के लिए और दुनिया में इसको नंगा करने के लिए और बताने के लिए इस शहर से शाही सैयद सेनेटर मुंतखब हो चुका है। और वहां उसने जाना है और दहशतगर्द जमात के बारे में उसने पूरी दुनिया को बताना है किस कराची शहर में कितना जुल्म हो रहा है, कितना खून बह रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। हम समझते हैं कि हमारे जश्न का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सबसे ज्यादा जिनको तकलीफ हो रही है, सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में आज वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया जान लेगी, पहचान लेगी कि कराची में दहशत किसने पैदा किया है। 30 साल ये पूर्व 30 साल पहले ये जो रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज अंधेरों में क्यों डूब हो चुका है। आज शाम 7 बजे और 8 बजे के बाद इस शहर में होप का आलम होता है। एक इलाके से लोग दूसरे इलाके तक जा नहीं सकते हैं, यहाँ 9 एरिया बन चुके हैं। इसके खात्मे के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए ये जो वही शाही सैयद जो 5 साल से दीवार बना हुआ है इनके खिलाफ, 5 साल से लड़ रहा है, 5 साल से अपने लाल झंडे के साथ अपने कारकुनों के साथ रोड पे निकला है। आज ये मोहम्मद खान को इसी जिले में सबसे पहले जो शहरी हुकूमत ने कच्ची आबादियों को इस गोटों को मस्मार करने की बात की तो सबसे पहले जुमा गोट नीपा चौरंगे पर उसको मस्मार करने के लिए कोशिश शुरू की गई, और एक बिल्डर को बाकायदा वो तमाम पूरा इलाका बेच चुका था कि उस आबादी में जो खरीद उसमें सिर्फ उसी कच्ची आबादी में और पूरी कराची की कच्ची आबादी में मेरे दोस्तों सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन नहीं रहते थे, यहां मुख्तलिफ जबानों के लोग रहते थे, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रहते थे, मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते थे। लेकिन जब यहां पर उस कच्ची आबादियों को उन गोटों को मस्मार करने की कोशिश शुरू की गई, यही जिसका मैंने जिक्र आपको किया कि एक जुमा गोट से यह कहानी शुरू हो गई। जुमा गोट में अवामी नेशनल पार्टी के 15 से ज्यादा कारकुन नहीं रहते थे, लेकिन वो हजारों की आबादी जिसमें साइकी भी थे, सिंधी भी थे, उर्दू बोलने वाले भी थे, उसको जब डिमालिश करने की कोशिश की गई और बाकायदा वहां पर गाड़ियां लाई गई, उसकी तमाम तैयारी मुकम्मल की गई, वहां के लोगों ने बाकायदा सबसे पहले अप्रोच किया इस शहर के तमाम सियासी जमातों को, तमाम एनजीओ को, लेकिन उस जालिम हुकूमत के खिलाफ, इसलिए कि उस हुकूमत के पीछे एक ताकतवर दहशतगर्द जमात थी, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस शहरी हुकूमत के खिलाफ भी बात कर सके और गरीबों के लिए आपके नाम पे जो लोगों से बदला लिया जा रहा है। इंशाल्लाह अब पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान सीनेट में उस पत्ते की पर्चियां पेश की जाएगी, दुनिया देखेगी कि शहर में पत्ते के नाम पे, पितरे के नाम पे और ज़कात के नाम पे लोग जो बता दिया जा रहा है उसके सबूत के साथ इंशाल्लाह उस बड़े ऐवान में पेश करेंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमारा बुनियादी मकसद आज का ये जश्न सिर्फ यहाँ नहीं, मोहम्मद खान गोट का नहीं, पूरी कराची में इसलिए शहर में अवामी नेशनल पार्टी के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या मजहबी जमातें तमाम मौजूद थी।
लेकिन किसी भी हिम्मत नहीं की। अगर तू इतना और तू की आवाम सियासी जमात तो सिर्फ और सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी की, जिसने इस लाल झंडे के साथ अपने सूबाई सदर के कयादत में 2 मई को यहाँ रैली निकाली, इस पूरे शहर को जाम कर दिया। इसलिए जाम नहीं किया कि हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, हुकूमत हमें मराहत नहीं देती। किस तरह यहाँ पर यहाँ 5 साल से बार बार 9 दफा हो चुका है कि हुकूमत से कुछ जा रहा है और कभी आ रहा है, लेकिन अपनी मुफादात के लिए, अपनी मकासद के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने जब भी शहर में हड़ताल की, जब भी शहर को ब्लॉक किया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रहने वाले मजलूम कौमियतों के लिए और उनके हकूक के लिए। कल केसी का मसला था, कभी कच्ची आबादियों का मसला था, कभी ट्रांसपोर्ट का मसला था, कभी डोमिसाइल का मसला था। जब भी यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, वाहिद अवामी नेशनल पार्टी है शहीद सैयद के कयादत में निकली है और जालिम को जुल्म करने से रोका है और मजबूर किया है कि वो अपने तमाम वो जालिमाना पॉलिसियां वापस ले ले। इसलिए हम समझते हैं कि हस्बैंड है उस शख्स का, वो सिर्फ सेनेटर बनने की उसकी कोई शौक नहीं था, उसको कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास सबसे बड़ा उदा अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सदर का था, लेकिन आज अगर वो सेनेटर बना है और अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी अकाबरीन ने इस शहर की मजलूम कौमियतों के ऊपर जो एहसान किया है, उसको सेनेटर बनवाया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कराची की मजलूम कौमियतों का आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और पाकिस्तान के बड़े ऐवान में उसको पेश किया जाए। यहां पर इसी शहर से दूसरी पार्टियों के सेनेटर मुंतखब होंगे, हो चुके हैं और होंगे, माजी में भी रहे, लेकिन जो कराची में रहता है चाहे वो सेनेटर हो चाहे वो कौमी असेंबली का मेंबर हो, उसमें जुर्रत नहीं है कि कराची के मसले पे जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, उन्हीं के लोगों के खिलाफ किसी भी आवाम में बात कर सके। एक ही शाही सैयद 5 साल से चीख रहा है, बोल रहा है और आज इंशाल्लाह यहां पर सेक्रेटरी मुल्ला तकदीर साहब और सुबाई ग्रांड सेक्रेटरी सुबाई मसूद साहब हो, पी एस एफ सुबाई सदर रजा खान जजूम साहब हो, जनरल सेक्रेटरी सादिक खड़क साहब हो और लेडीज विंग नायब सदरा कौशल प्रवीण साहबा और पिता सरकार के रास्ते वर्करो धन्य तक सलाम वर्करो वक्त के वर्करो पहले खबर हो गए राके पवाला बांधे या तारीख पवाला बांधे तो खबर तो मजबूर हो गए नम से कम वक्त रा करे मरकरो नम जंग मोहतरम और किसी की बीवी को मार दिया गया, किसी के बच्चों को मार दिया गया। आज भी जब 1992 का मसला होता है कोई कोर कमांडर उठ के आ जाता है, इनके हाथ में बयान देता है, बाद में पता चलता है उसके पेट्रोल पंप यहाँ पर है। कोई कर्नल उठ के आ जाता है, इनके हाथ में बयान दे देता है, पता चलता है उनका घर लाल खेत में। ये तो हाल है इनका। ये सारी चीज जो है, ये सारे लोग जो है, ये यरगमाल है। हम इन यरगमालों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जंग लड़ी थी कुछ नादानों से, कहते हैं कि हमने हिंदुओं का साथ दिया था। कल परसों समा टीवी पर कुछ नादान मुस्लिम लीग के दोस्त कह बैठे, हमने हिंदू का नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम की आजादी की जंग लड़ी। जो लोग जो बजुर्ग कबाली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जो फकीर अपी की तारीफ जानते हैं, फकीर अपी जब अंग्रेज से लड़ने के लिए जाते थे तो अपना पहले नुमाइंदा भेजते थे और फौज को कहते थे कि अगर आप में कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, उससे मेरी कोई जंग नहीं, मेरी किसी मजहब से कोई जंग नहीं, मेरी लड़ाई सात समंदर पार से आने वाले अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ है। आज उस वक्त भी उस अंग्रेज साम्राज्य ने मुस्लिम सिपाही गरीब खलुकता एमपीए नगर बने गए, एमपीए गाना बने गए सदा तो पुरुष को जितने ना शर्म पकड़ा दे तीज पकड़ बच्ची तो तुम कोई पास पर स्कूल में कितने स्कूल होए जितना इतना सही ना हुआ ना तो देश मास्टर कहीं भी 30 लाख रुपए खर्च पा गया था और सुबह में भी वक्त पसंद ना कमुन में भी वक्त पसंद नहीं जागा न पुएगी अगर